दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंस्टा मनी एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये भैया इंस्टा मनी एप्लीकेशन, ठीक है। और यहां पर इंस्टा मनी एप्लीकेशन में 12,500 रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट मुझे मिला हुआ है। अब मैं इस लिमिट को जैसे विड्रॉ पे क्लिक करता हूं तो यहां पर ये विड्रॉ करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो विड्रॉ कैसे करते हैं इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल ये वीडियो अलग टॉपिक पर होने वाला है। अब देखो भाई, यहां पर क्या है कि इंस्टा मनी एप्लीकेशन में कई लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कई लोगों को यहां पर पर्सनल लोन दिया जा रहा है और कई लोगों को यहां पर जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा रही है। मेरे केस में लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब मैं इसको जब यूज करूंगा तब ब्याज भरना होगा, नहीं यूज करूंगा नहीं ब्याज भरूंगा, ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है, लाइन ऑफ क्रेडिट काफी अच्छी लगती है कि जब हम पैसे निकालते हैं तभी ब्याज भरना होता है, नहीं निकालते हैं कोई ब्याज भी नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इंस्टा मनी एप्लीकेशन, अगर हमने इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट ली है, जैसे कि मैंने यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट ली है, ठीक है, और अगर मैं इसको एक साल तक यूज ना करूं तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक साल तक यूज नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, और बर्बाद मत होना, सावधान रहें, ठीक है। अब बर्बाद कैसे हो जाओगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब यहां पर कोई चार्ज लगेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बर्बाद कैसे मैंने बोला बर्बाद हो जाओगे, देखो यहां पर क्या है कि जब हम इंस्टा मनी एप्लीकेशन में लाइन ऑफ क्रेडिट हो या अगर पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो वहां पर 199 रुपीज, किसी से 249 रुपीज का चार्ज लिया जाता है और ये नॉन रिफंडेड होता है, ठीक है। अगर लोन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ये भैया नॉन रिफंडेड होता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल आपको कोई लिमिट मिली है, यहाँ पर 199 रुपीज अभी आपने लगा दिया और आपको एक लिमिट मिल गई, ठीक है। अब आपने क्या किया भैया, इस लिमिट को लेने के लिए विड्रॉ पर क्लिक किया और जब आपने देखा कि यहाँ पर जो है ना 3 महीने का समय मिल रहा है विड्रॉ करने के लिए एंड 4,636 रुपये की किस्त बन रही है, तो काफ़ी ज़्यादा किस्त का अमाउंट हो जाता है। तो आप लोग फिर क्या सोचते हैं भैया, इस पैसों को नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है और नहीं यूज करना है। तो आप क्या करते हो भैया, इसकी जो लिमिट है यूँ ही छोड़ देते हो। तो अगर आप इस लिमिट को एक साल तक यूज नहीं करोगे तो ये अकाउंट आपका डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों, डिसेबल हो जाएगा। दोबारा से रिकेवाईसी करने का ऑप्शन आएगा, आपको रिकेवाईसी करनी पड़ेगी और उसके बाद अगर आपका सिविल अच्छा रहा तो ठीक है, अदरवाइज आपकी जो लिमिट है वो भी जो है कट हो जाएगी या फिर हट जाएगी, ठीक है। तो फिर आप दोबारा अप्लाई करोगे तो फिर 149 रुपीज का चार्ज लगेगा एंड आपको ज्यादा दिक्कत में परेशानी पड़ेगी, ठीक है। सो यहां पर मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इंस्टा मनी एप्लीकेशन में लाइन ऑफ क्रेडिट एक्टिवेट करके रखी है तो इस लाइन ऑफ क्रेडिट को एक साल में एक बार विड्रॉ जरूर करें ताकि आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्टिवेट रहे और आपको कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स भी ना आए, ठीक है। अगर आप एक बार विड्रॉ करते रहोगे तो ये लिमिट कहीं नहीं जाएगी और ये लिमिट आपके पास ही रहेगी, आप इसको मुसीबतों के समय में निकाल सकते हो और किस्तों के द्वारा रीपेमेंट भी कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है एप्लीकेशन, आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो चलिए यार, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।